रीछेश्वर महादेव का इतिहास अरावली पवर्तमला में स्थित नांदिया ग्राम की पवित्र धरती पर प्रसिद्ध रीछेश्वर महादेव मंदिर रीछी पवर्त की गोद में स्थित है। इस मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। त्रेता युग में राम रावण युद्ध के समय युद्ध समाप्ति तक जामवंत जी नहीं थके। तब जामवंत जी ने श्री राम से कहा कि अभी मुझे और लड़ना है, तब श्री राम ने कहा, अब मैं आपको द्वापर युग में कृष्ण अवतार में मिलूंगा, तब आपकी इच्छा पूरी होगी। तब तक के लिए जामवंत जी रीछी पर्वत में स्थित गुफा में तपस्या में लीन हो गए। द्वापर युग में द्वारिका धाम क्षेत्र में सत्राजित नामक एक राजा था। वह सूर्यदेव का महान भक्त था। सूर्यदेव ने ही उसे स्यमंतक मणि प्रदान की थी। यह मणि प्रतिदिन लगभग 70 पौंड स्वर्ण उत्पन्न करती थी। उसके अतिरिक्त वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि संसार के जिस किसी भी भाग में इस मणि की उपासना होती है, वहां कभी अकाल नहीं पड़ता। यही नहीं, जहां भी यह रहती है वहां महामारी अथवा व्याधि जैसी किसी भी अशुभ घटना की संभावना नहीं रहती। एक दिन राजा सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन व स्यमंतक मणि लेकर वन में गए। वन में स्थित सिंह ने प्रसेन का वध कर लिया एवं मणि ले ली। सिंह से वह मणि जामवंत जी को प्राप्त हो गई। उधर दूसरी ओर राजा सत्राजित ने श्री कृष्ण पर स्वमंतक मणि चुराने का झूठा आरोप लगा दिया। तब श्री कृष्ण मणि की तलाश में रीछी पर्वत पहुंचे। तब पता चला कि स्वमंतक मणि जामवंती जी के पास है। मणि पाने के लिए 28 दिनों तक श्री कृष्ण व जामवंत जी का युद्ध चला। अंत में श्री कृष्ण ने जब राम स्वरूप दिखाया, तब जामवंत जी ने पहचाना कि भगवान श्री राम त्रेता युग में दिया हुआ अपना वचन निभाने आए हैं। जामवंत जी ने श्री कृष्ण से कहा कि ये स्यमंतक मणि आपको एक शर्त पर ही दे सकता हूं कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह करें। शर्त मानकर श्री कृष्ण ने जामवंत जी की पुत्री जामवंती से ब्याह रचाया और यहां मंदिर में स्थित एक स्तंभ के चारों तरफ फेरे लिए। तभी भगवान शिव ने प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद यही शिवलिंग स्वयं भू प्रकट हुआ, जिसकी स्थापना श्री कृष्ण के हाथों हुई। भगवान शिव जामवंत जी की गुफा में प्रकट हुए तथा जामवंत जी यहां रीछों के राजा थे, इसलिए इस स्थान का नाम रीछेश्वर महादेव पड़ा। इस शिवलिंग पर प्राकृतिक जनेऊ की आकृति बनी हुई है। इस रीछी पर्वत की प्रत्येक माह की पूर्णिमा को परिक्रमा का विशेष महत्व है। श्री रीछेश्वर महादेव की जय।